हाय, आई एम डॉक्टर अर्चना। बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये जानना चाह रहे हैं, मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि मैम आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे। बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ नया वीडियो बनाइए। मैं आप सभी से, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से पूरे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट माई सिंसियर अपोलॉजीज़ कि मैं आपके किसी मेल को रिप्लाई नहीं कर पाई, कोई कॉमेंट रिप्लाई नहीं कर पाई, आपकी किसी क्वेरी को आंसर मैं और मेरी टीम नहीं कर पाए। इस पेंडेमिक के चलते हमारे आसपास इतना कुछ बिगड़ा, हम आपस में ही कनेक्ट नहीं थे, और मैं रिप्लाई क्यों नहीं कर पाई और मैं वीडियोस क्यों नहीं बना पाई, उसका कारण है कि एक महीने पहले इसी पेंडेमिक के चलते मैंने अपने पापा को खो दिया। और आई होप आप सब समझते हैं कि जब हमारा कोई लव्ड वन सडनली हमारी लाइफ से चला जाता है तो हमारे अंदर पेन, ग्रीविंग, हर्ट, बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो सरफेस पर होते हैं। हमारी फैमिली को और हमें उस टाइम को साथ में बिताने की ज़रूरत होती है। तो बस ये पूरा एक महीना मैं अपनी फैमिली के साथ थी और अपनी मम्मी को हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। तो ये तो थी मेरी बात कि मैं क्यों आप सबको रिप्लाई नहीं कर पाई। और मुझे पता है आप सब चाहते हैं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे और वीडियोज़ बनाऊँ, और मैं वो करूँगी एज आई प्रोमिस्ड। लेकिन आज जो मैं कहने आई हूँ, आई थिंक इट इज़ इक्वली और मोर इम्पॉर्टेंट देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज सेज, नाम देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट ऑलवेज अट्रैक्ट, ओनली अट्रैक्ट, बट अट्रैक्ट वॉट और अट्रैक्ट टू वॉट, किस चीज पर यह अट्रैक्ट हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, और ये अच्छा है और बहुत सही है। लेकिन हमारे इतने सारे इमोशंस होते हैं और ये मिलकर हमें ह्यूमन बनाते हैं, तो अगर आप इनको सिर्फ रिजेक्ट करते चले जा रहे हैं और इनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने पूरे ह्यूमन एक्सपीरियंस को रिजेक्ट कर रहे हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी को हाथ में दर्द है तो वो क्या करेगा? क्या वो ऐसा करेगा कि अरे हाथ में दर्द है, चलो इंस्टा चला लेता हूँ डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, या हाथ में दर्द है तो चलो मैं ड्राइव पे चला जाता हूँ, या हाथ में दर्द है तो मैं पार्टी कर लेता हूँ, ड्रिंक कर लेता हूँ? क्या वो उसको रिजेक्ट करेगा? नहीं, वो क्या करेंगे? अगर वो दर्द बेरेबल है उनके लिए तो वो थोड़े दिन बेर करेंगे, अगर नहीं है तो वो पेन किलर ले लेंगे, और अगर तब भी नहीं जाता है तो वो बोलेंगे नहीं यार, अब तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, और ये करना सही है, राइट? इसी तरीके से आपका जो इमोशनल पेन होता है वो भी कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन आप प्रेफर करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की पेन किलर लेना कि कुछ भी करो बस उसको रिजेक्ट कर दो। और इसका रीजन ये है कि हमें बचपन से अपने इमोशंस को एड्रेस करना सिखाया ही नहीं जाता। रो रहे हो तो रो मत, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा मत करो, हर चीज पर मत करो, क्या करो, बस स्माइल करो, बस हाँ बोलो और जो कहा जा रहा है वो करो। तो हम लोग कभी भी अपने इमोशन से कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, और यहां पर माइंडफुलनेस बहुत हेल्प करता है। पेन की जो डेफिनेशन आज मैं आपको दे रही हूं, आप उससे कनेक्ट रहिएगा, और अगर इस वीडियो से आप कुछ भी एक चीज सीख सकते हैं तो आई वॉन्ट यू कि आप इस डेफिनेशन को अपने साथ लेकर जाइए। पेन, पे अटेंशन इन वर्ड नाउ, आई रिपीट, पेन, पेन सेज पे अटेंशन इन वर्ड नाउ, अपने अंदर अभी ध्यान दो। तो जो भी इमोशन आपकी सरफेस पे आता है, आप उस इशू को एड्रेस कीजिए, उस इमोशन को एड्रेस कीजिए, उसे रिजेक्ट मत कीजिए। दैट इज द पार्ट ऑफ यू, वो आप ही का हिस्सा है, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ ठीक करवाना चाहता है। क्योंकि जब आपके किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द होता है तो वो क्या कहता है, हे लुक हियर, राइट, लुक एट मी, राइट। इसी तरीके से जब आपका इमोशनल पेन होता है वो भी आपको यही कहने की कोशिश करता है कि यहां ध्यान दो, यहां कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप उसे रिजेक्ट करना प्रेफर करते हैं। डोंट डू दैट। जब वो सारी चीजें हील होती जाएंगी, वो हील तभी होंगी जब आप उनको फील करेंगे, जब आप उस इश्यू को एड्रेस करेंगे। कोई भी बीमारी तभी ठीक हो पाती है जब आप उसको एड्रेस करते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं। सिमिलरली ये इमोशंस और ये इश्यूज तभी ठीक होते हैं और हील होते हैं जब आप इन्हें एड्रेस करते हैं। विद दिस वीडियो आई वॉन्ट टू से पे अटेंशन इन वर्ड नाउ। मैं जानती हूं आप सब बहुत पेन में है, तभी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहिए होता है। अगर आप पीसफुल होते, अगर आप सफर नहीं कर रहे होते, तो आपको इसमें से किसी चीज की जरूरत नहीं होती।
आगे कोशिश करूंगी कि आपके साथ कनेक्ट होती रहूं टाइम टाइम पे जैसे पहले होती थी. और हाँ, आप सब अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं. थैंक यू सो वेरी मच.